माय फैमिली, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी भगवान शिव की कृपा से अच्छे हैं। और अब मेरी तबीयत में भी सुधार है क्योंकि बहुत ज़्यादा सीजन की वजह से इस बार तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और आप सबको महालक्ष्मी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज है महालक्ष्मी, कल जीतिया त्यौहार है, बहुत लोग रहते हैं जूतिया, तो हमारे यहाँ तो खैर नहीं होता, बिहार साइड में ज़्यादा जूतिया लोग रहते हैं। हम लोग तो खैर महालक्ष्मी के त्यौहार करते हैं। तो देखिए महालक्ष्मी के त्यौहार है और आज पक्का खाना बनता है, मतलब रोटी वगैरह नहीं बनती है। तो देख सकते हैं आप लोग, सुबह से ही मतलब नाश्ता बना दिया था और इन लोगों को भेज दिया। बेटा अपना कोचिंग चला गया और हस्बैंड चले गए प्लॉट पे, क्योंकि प्लॉट पे सुबह सब लेबर मिस्त्री आ जाते हैं ना, तो काम लगाना होता है, तो इसकी वजह से वहाँ भी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब हम लोग काम करके और बेटा कोचिंग से आ जाता है और जब यहाँ सारा काम करके हम लोग फ्री होते हैं तब जाते हैं प्लॉट पे और तब वो जाते हैं अपने काम पे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बिंग हो रही है, इतना ज़्यादा कि हम घर का भी कोई भी मेरा काम नहीं हो पा रहा रेगुलर, ना तो हम वीडियो डाल पा रहे, ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहे। क्या है ना, जब अब मकान बन जाएगा और अच्छे से सेटल हो जाएंगे ना, तभी हमारे वीडियो मतलब रेगुलर आएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, कद्दू की सब्जी बनाई हुई है और बनाया है बूंदी का रायता। अभी इसमें छौंका लगाना है, अभी मतलब छौंका नहीं लगाया है। और ये कद्दू की सब्जी है, क्या होता ना, पूड़ी के साथ, पूड़ी या पराठा के साथ कद्दू की सब्जी मतलब ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सुबह इनको पूड़ी बना दी थी और ये देख सकते हैं अब राशन रखी हुई है गौ माता को। सबसे पहले कुछ भी बनाए, पूड़ी पराठा या रोटी कुछ भी बनाते ना, तो सबसे पहले मतलब गौ माता के लिए जो भी होता है तो अग्रासन निकाली जाती है। तो वो तो खैर एक मतलब आदत सी बन गई है कि अग्रासन निकालने की। तो बस वही नाश्ता बनाया था और अब खाना बनाया है, क्योंकि खाना ले जाएंगे लंच में तो हस्बैंड मतलब खा के ही अपने काम पे जाते हैं मतलब। और हम लोग तो खैर यहाँ से खा के ही निकलते हैं, तो इसकी वजह से हम मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना ब्लॉगिंग करने के लिए, लेकिन वही होता है ना, इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि बस। और इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि गर्मी की वजह से तो मतलब बहुत बुरा हाल है। वहाँ से आओ, खैर वहाँ पर करना कुछ नहीं होता, बस बैठने ही होता है, देखना होता है, लेकिन क्या करें मतलब इतनी ज़्यादा ऐसा है ना कि दोपहर में आराम करने की आदत पड़ गई है। और अब देखिए खाना मेरा बन गया और हम तैयार भी हो चुके हैं, क्योंकि हमें जाना है बुआ के यहाँ। और आज हम महालक्ष्मी की मतलब अशुद्धि थी तो पूजा नहीं कर पाए हैं। तो अभी हम महालक्ष्मी, क्या हुआ था ना कि जैसे आप पूजा नहीं कर सकते हैं, आपके यहाँ पूजा करने वाला कोई नहीं है, तो आप डोरा मतलब होता है ना जो पूजा करते हैं वहाँ आप डोरा भेज सकते हैं। और डोरा जो होता है 16 गांठ का होता है डोरा, तो वही हमने भिजवा दिया था। और जो स्विच किए थे मतलब 15 दिन स्विच किए थे और 16वें दिन हम पूजा नहीं कर पाए, तो वो हमने बुआ के यहाँ भेज दिया था। तो अब हमें वही डोरा बंधाने बुआ के यहाँ जाना। और अभी मेरा व्रत है, पानी वानी कुछ नहीं पिया है, तो चलिए हमने लगा दिया छौंका, इसमें रायता में भी छौंका लगा दिया, क्योंकि बेटा आएगा तो अपना नाश्ता कर लेगा, वो सुबह दलिया खा के चला जाता है, तो हमने छौंका लगा के रख दिया। इसकी वजह से कोई हो सकता है हमें लेट हो जाए। और इतनी ज़्यादा धूप है कि बिल्कुल भी निकलने का मन नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा धूप है कि हम आपको क्या ही बताएं। तो देख सकते हैं आप लोग, इसमें लगा दिया है तड़का मतलब छौंका लगा दिया है। और अभी नमक नहीं डाला, क्योंकि नमक डाल दो ना तो रायता मतलब मट्ठे की कोई भी चीज़ अगर आप नमक डाल देंगे ना तो खट्टा हो जाता है, तो ज़्यादा खट्टा ना हो इसकी वजह से हमने रख दिया है ये फ्रिज पे, फ्रिज पे इतना ज़्यादा खट्टा नहीं होगा। और चलिए अब निकलते हैं बुआ के घर के लिए। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पसीना आ रहा, पंखा बराबर चल रहा, लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब धूप है और इतनी ज़्यादा पसीना आ रहा गर्मी, क्योंकि सुबह से ही लगे लगे हो जाता है। और चलिए अब निकलते हैं बस बुआ के यहाँ, क्योंकि इतना ज़्यादा 10:30 बजे का टाइम है और हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। अभी दवा ववा खाए हुए तो बहुत ज़्यादा प्यास सुबह से ही लगती है। तो चलिए लाइट बंद कर दी, अब कर देते हैं ताला आला बंद और बस निकलते हैं। आज अकेले ही बुआ के यहाँ जाना है और वहाँ धागा बंधा के, क्योंकि बुआ भाभी को जाना होता है स्कूल, तो इसकी वजह से भाभी
की वजह से। बुआ ने सुबह ही पूजा कर ली थी, तो कहा था ना सुच मतलब किए जाते हैं आप 16 दिन की ये पूजा होती है माँ लक्ष्मी की, और 16 दिन सुच किए जाते हैं बराबर। तो देख सकते हैं हम बुआ के यहाँ पहुँच चुके हैं और बहुत बुरा हाल है, आप हालत देख रहे हैं। मतलब हमें सवारी नहीं मिली तो हम पैदल ही बुआ के यहाँ गए, तो आप देख ही रहे हैं मेरी क्या हालत हो गई है। तो बस हमने बुआ से कहा कि बुआ जल्दी से हमें जो डोरा है ना, क्योंकि हमने डोरा भेज दिया था, तो डोरा हमारे बांध दो और जल्दी से हमें पानी दो, हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। तो वही बुआ मतलब वहाँ से ला रही थी और धागा बांधे हुए थे, वो धागा निकाल के वहीं चढ़ा देंगे, क्योंकि पूरे साल भर हम जो ये धागा होता है ना पूरे साल रखते हैं, तो ये जो पुराना धागा है ये हटा देंगे और जो नया धागा है बांध लेंगे। तो यही बुआ देख सकते हैं आप लोग गांठ बुआ खोल रही हैं, कोशिश कर रही हैं, क्योंकि साल भर की गांठ हो जाती है ना, और कलावा का होता है ना धागा बनाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है कि एकदम चपक जाती है गांठ। तो वही बुआ ने वो गांठ खोली और तब तक देखिए गई हैं धागा लेने, और ये देखिए गौ माता आ गई, तो इनको दे रही हैं केला प्रसाद। मतलब गौ माता बुआ के डेली मतलब दिन में 2-3 बार आती है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, जब तक अगर कुछ नहीं देती है ना तब तक उनको गौ माता जा नहीं सकती हैं अपने घर से कि गौ माता हमारी निकट चली जाए। और हालत बहुत ज़्यादा मेरी बिगड़ गई थी, इसकी वजह से हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि हम आपको क्या ही बताएं। बस हमें ये लग रहा किसी तरीके हमारे बुआ वो काटेंगे ले तो ये पुराना कुछ बस पानी मिल जाए। तो वही बुआ से बातें कर रहे थे कि जल्दी बुआ आओ हमारे धागा बांध दो आके, बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लग रही है और बहुत ज़्यादा प्यास की वजह से बिल्कुल मेरा गला मेरा इतना ज़्यादा सूख रहा था कि हम आपको क्या ही बताएं। और बस यही होता है ना कि आप पूजा के लिए क्या किया जाए, बहुत सारी तैयारियां कर रखती थी, यही होता है ना कि अचानक से क्या आपका हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो बस लेडीजों की तो ये आप लोग जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है, तो बस उसी वजह से हम पूजा नहीं कर पाए। और अब हमें क्या है ये था ना कि हमने खैर अच्छे से पूरे अपने सुच बराबर कर लिए थे, तो इसकी वजह से खैर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। और अगर सुच खरीद करो ना तो एकदम से सुना सुच किए करने होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो सारे हमने खैर सुच कर लिए थे। और बस एक ही दिन के 16 मतलब 16 दूध और 16 चावल रोज़ ज़रूरत पड़ती, उसी से आप वो धागा में लपेट के वही हमें वो करना होता है, मतलब सुच करने होते हैं। अब आप तो किसी तालाब में या नहर में, लेकिन अब यहाँ पे तालाब नहर हर थोड़ी ना है, तो हम तो खैर थाली फूल की या पीतल की थाली स्टील की छोड़ के जो भी आपके यहाँ थाली हो उसमें मतलब हम लोग ये सुच कर सकते हैं। तो देखिए हमारा धागा बुआ बांध रही हैं, और धागा के बाद बस हम पंचामृत खा लें, क्योंकि वो प्रसाद तो बहुत ही मेन होता है। बस हमें ये किसी तरीके लग रहा था कि मतलब हमें जल्दी से हमारे बुआ धागा बांध लें, हमारा बहुत ज़्यादा गला सूख रहा था। और सुबह हम इसकी वजह से नहीं जा पाए क्योंकि क्या था ना कैसे काम छोड़ के चले जाते, सारा काम भी ज़रूरी था और फिर वहाँ से आओ आने के बाद काम करो। तो देखिए हमारा महालक्ष्मी का धागा बन चुका है, और अब बस हम जल्दी से खा लेते हैं प्रसाद। बस बुआ हमें प्रसाद दे रही हैं, कह रही हैं मतलब प्रसाद ऐसे पानी ना पियो, पहले प्रसाद खा लो। तो चलिए हम पानी तो ले आए हैं और बुआ ला रही हैं प्रसाद, तो प्रसाद खाने के बाद बेटा आ जाएगा लेने, तो बस उसके साथ आएंगे घर पे, और उसके बाद हम जाएंगे प्लॉट पे, घर से टिफिन उठाएंगे, तो उसके बाद हमें जाना है प्लॉट। तो देख सकते हैं आप लोग आ गया मेरा पंचामृत, जो कि बहुत ही मतलब टेस्टी होता है और बहुत ही अच्छा होता है लगभग ये। और प्रसाद की तो बात ही अलग होती है, प्रसाद तो कोई भी प्रसाद हो, प्रसाद तो खैर हर चीज़ का अच्छा लगता है, लेकिन पंचामृत की तो बात ही अलग होती है। तो बहुत ज़्यादा हमें पसंद है और ये तो सभी को पसंद होगा, तो आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए और ज़रूर बताइएगा कि आज का ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने कौन कौन कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहा है। आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, आप लोगों का कमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है और बहुत हमें अच्छा लगता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी आई हो तो शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए,
और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये देखिए हाथी राजा के दर्शन कर लीजिए। और आज क्योंकि महालक्ष्मी है तो हाथी की पूजा होती है, तो आप लोग भी महालक्ष्मी माता के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आज मतलब 16 इसमें सुरा बनते हैं, 16 सुरा और हाथी की पूजा होती है। और आप इसमें सिंगार का सामान या जो भी आपके पास वो हो पूजा पाठ का वो आप चढ़ा सकते हैं। और 16 इसमें दीपक जलाए जाते हैं, तो दीपक वगैरह क्योंकि पूजा सुबह हो चुकी थी, हम 10 बजे के टाइम पहुंचे थे तो दीपक वगैरह बुझ चुके हैं और पूजा हो चुकी है। हमने आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राम।